हुआ? क्या आप भी परेशान हैं? आपके टर्म्स, आपके रिलेशन ठीक नहीं चल रहे फैमिली में। किसके रिलेशन? सासू माँ से ठीक नहीं है, बहू रानी से ठीक नहीं है, जेठानी से ठीक नहीं है, देवरानी से, या फिर हस्बैंड से, या फिर बच्चों से, या फिर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर आप ऑफिस जाते हैं, कोई कोलीग्स आपको नेगेटिव वाइब्स देता है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, या फिर आप घर से सुबह जब निकलते हैं आपके नेबर में कोई ऐसा इंसान है जिससे आपको नेगेटिव वाइब्स आती है और आप सोचते हैं कि शायद एक ही रिलेशन हमारा ठीक हो जाए और हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता, काश ये रिलेशन ठीक हो जाता, ये टर्म्स ठीक हो जाती तो सब कुछ ठीक हो जाता, तो ये पॉसिबल है। घबराइए नहीं, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मेरी इस वीडियो में है। जी हाँ, अगर आप मेरी इस वीडियो तक आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत। सो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं पूजा बागल भारती चम्मू से, पूजा सोल पर्पस योग चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कुछ भी बताती हूँ, कोई भी चीज़, मेडिटेशन, प्रेयर या कुछ भी बताती हूँ, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करके वो चीज़ आपको बताती हूँ। कुछ भी ऐसे यूट्यूब में देखकर या फिर बुक्स पढ़कर वो चीज़ नहीं दिखाती जब तक वो चीज़ मैं एक्सपीरियंस नहीं कर चुकी होती हूँ। ये मेडिटेशन मैंने सिर्फ एक ही बार की थी, इट वर्क्स, ये बहुत इफेक्टिव है, इसीलिए डिवाइन का मैसेज है, मुझे डाउनलोड है कि ये मैसेज, ये जो प्रेयर है, मेडिटेशन है, मैं आप तक पहुंचा सकूं। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको मेडिटेशन बताने वाली हूं उसका नाम है हो ओपोनो पोनो मेडिटेशन। जी हाँ, हो ओपोनो पोनो मेडिटेशन, आप इसको मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, प्रेयर भी बोल सकते हैं, मंत्रास भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट डेली, ठीक है। आपको एक मेडिटेशन के बाद ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सिर्फ एक ही बार की है, वो भी अपने बेटे के साथ। एक्चुअली मेरे दो ट्विंस बेटे हैं, तो एक तो ठीक है, कहना मानते हैं, शरारती तो बच्चे होते हैं आजकल, ठीक है, लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है वो क्या करता है, जिद होती है, एक जिद्दी होते हैं बच्चे, ठीक है। अगर उसकी फेवरेट डिश समझो अगर पनीर है, तो मैं बोलूंगी पनीर बनाया, तो वो बोलेगा मैं आज पनीर नहीं खाऊंगा, मैं कुछ और खाऊंगा, मतलब कि कोई ना कोई रीजन खोज लेता है वो मुझे तंग करने का। तो एक बार मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, तो फिर मैंने ये मेडिटेशन इम्प्लीमेंट की अपने आप पे, सिर्फ एक ही बार की, ठीक है, सिर्फ एक ही बार की, और वो करने के बाद जैसे मेरी खत्म हुई, उसके 2 मिनट के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया और मुझे ऐसे हक करके किस करना स्टार्ट हो गया, मतलब कि लाट करना स्टार्ट हो गया। तो मैं बहुत ही हैरान हो गई कि इतनी इफेक्टिव मेडिटेशन, तो ये सबको बतानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हो ओपोनो पोनो मेडिटेशन में आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ 4 लाइन्स बोलनी है। वो 4 लाइन्स क्या है, बहुत सिंपल है, वो 4 लाइन्स है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जी हाँ, बस ये 4 लाइन्स है, ये बहुत इफेक्टिव 4 लाइन्स है, ये आपने बोलनी है। और ये कैसे बोलनी है, क्या इमेजिन करना है, कब बोलनी है, ये सब कुछ मैं आपको बहुत ही जल्द इस वीडियो में बता रही हूँ। फ्रेंड्स देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अगर हमें कोई बाहर हर्ट करे, ठीक है, हमारा नुकसान करे, तो हम क्या होते, कोई स्ट्रेंजर हमें नुकसान दे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके पास नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन गॉड क्या करते हैं, अब हमारे कर्म हमने जो किए हैं उसको तो हमने क्लीन करना है, गॉड क्या करते हैं, हमारे घर में ही हमारे कार्मिक्स दे देते हैं, ठीक है। कार्मिक्स कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी कार्मिक्स हो सकते हैं, हमारे नेबर, हमारे कलीग्स। तो अब हम घर से तो नहीं भाग सकते ना, अपने बच्चों से नहीं भाग सकते, अपनी फैमिली से नहीं भाग सकते, तो हमें जैसे तैसे करके हमें कर्मास रिलीज
करने का एक माध्यम होता है ये फैमिली, तो हम कहीं भी नहीं भाग सकते। तो अब देखो, अगर आप बाहर बोलो किसी को कि आपने 2 लाख 3 लाख किसी को देना है, तो आप दोगे? कभी नहीं दोगे। लेकिन उतने ही पैसे देखो आप, हम अपने बच्चों की एजुकेशन पे कितने पैसे लगाते हैं, उनकी मैरिज पे कितने पैसे लगाते हैं, क्योंकि उनका कर्मास होता है, इतना पैसे उनके हम पर भार होते हैं। तो हम इनडायरेक्टली उसको रिलीज करते हैं अपने कर्मास को। तो घर में अगर आपको कोई भी हर्ट करे, घर में कार्मिक्स ही रहते हैं, कोई बहुत ही होगा, कुछ सोलमेट होगा। जैसे अगर मेरे 2 बेटे हैं, मुझे लगता है कि छोटा बेटा मेरा कहना मानता है, मैं अगर उसको डांटू भी मारू भी तब भी आके मुझे प्यार करता है, ठीक है। ये होते हैं सोलमेट्स। जरूरी नहीं है कि सोलमेट आपका पार्टनर ही हो, सोलमेट कोई भी हो सकता है जो कि आपको सपोर्ट करे, कोई भी हो सकता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। और सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो फॉरगिवनेस होती है, इसमें फॉरगिवनेस का भी एक लाइन है। फॉरगिवनेस क्यों जरूरी होती है? अगर हमें कोई इंसान हर्ट करता है, हम सोचते हैं कि इसने हमें हर्ट किया, उसने हमें हर्ट क्यों किया, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने उसको सेम चीज की होती है, उसको हर्ट किया होता है, वो इसीलिए हमें हर्ट करता है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई हर्ट करे, आपके दिल को दुखाए, तो उसको गॉड ब्लेस यू बोलो। आप बोलेंगे गॉड ब्लेस यू, क्यों बोलना, उसने तो हमें हर्ट किया है, क्योंकि सेम चीज आपने पास्ट लाइफ में उससे की थी, तो उसको आपको थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका कर्मा बैगेज बना हुआ था, एक बैड कर्मा आपका क्रिएट हो गया था, आपने उसके साथ बुरा किया था, ठीक है। जब वो आता है, वो आपको हर्ट करता है, आपका एक कर्मा रिलीज हो गया, आपका एक कर्मा रिलीज हो गया, मतलब आप एक स्टेप ऊपर हो गए डिवाइन की मर्जिंग के साथ। डिवाइन की मर्जिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बैड कर्मास जितने भी है पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, तो वो रिलीज किए जाए। अब इस लाइफ के तो आपके हाथ में है, आपको पता है किसी के साथ किसी को हर्ट नहीं करना, आप कर सकते, लेकिन पास्ट लाइफ के क्या होता है, आपको याद नहीं होते। हमारी बॉडी जो है वो कपड़ों की तरह होती है, जैसे हम अपने कपड़े रोज चेंज करते हैं, ठीक है। हमारी सोल जो होती है वो बर्थ बाय बर्थ अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाती, सिवाय हमारे कर्मास। हमारे कर्मास लेकर जाती है, अच्छे कर्मास, बैड कर्मास। तो हमारे सोल, हमने बहुत ही पास्ट लाइफ में बहुत ही कोई जन्म में हमने बुरा काम किया होगा, उसका हमें अभी मिलता है। तो आप बोलोगे कि अभी क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारी सोल जो होती है वो परमानेंट होती है। हमारी बॉडी जो है वो कपड़े चेंज कर, जैसे कपड़े हम चेंज करते हैं, वैसे हमारी बॉडी चेंज होती जाती है। तो वो हमारा बैगेज पड़ा हुआ है पीछे, वो हमें क्लीन करना है। तो हमें कोई हर्ट करता है तो उसने हमारा एक बैड कर्मा रिलीज कर दिया, ठीक है। एक तो आपको लेसन मिल गया लाइफ में, उससे आपकी ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, उसने कर्मा रिलीज कर दिया, ठीक है। आपको इसीलिए उसको थैंक यू बोलना चाहिए। और अगर आप क्या करेंगे, उसको कर्ज करेंगे, ठीक है, आपने उसको कर्ज किया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब इसके साथ भी ऐसा ही हो, उसको कर्ज नहीं करना है। आप वही साइकिल क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। अगर आपको कोई हर्ट करता है तो माइंड में यही सोचना है आपने कि मैंने इसके साथ वैसे किया होगा, अब ये क्लीन कर रहा है, तो उसने आपकी इनडायरेक्टली, उस सोल ने आपकी हेल्प की है, तो आपने उसको थैंक यू बोलना है, तो उसको फॉरगिव करो। अब आपको पता चला फॉरगिवनेस कितनी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अपने मन में अगर आप बदले की भावना रखना चाहोगे, रखोगे, इसने मेरे साथ ऐसे किया था, मैं इसको कभी नहीं माफ कर सकता, तो आपने एनर्जी आपने स्टक की हुई है, अपनी एनर्जी का पार्ट आपने बदले की भावना में स्टक किया हुआ है, आप अपने आप में पूरे ही नहीं हो, तो आप उस डिवाइन के साथ कैसे मर्ज करोगे? आपकी एक एनर्जी वहां पे स्टक है, आप समझ रहे हैं? उसको फॉरगिव करो, रिलीज करो, अपने आप में होल हो जाओ, अपने आप में कंप्लीट हो जाओ, तभी उस परमात्मा के साथ आप मर्जिंग कर सकते हो। फॉरगिवनेस इतनी जरूरी है। अगर आप किसी को कर्ज करे हो, बदले की भावना रख रहे हो, तो आप उसका नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हो।
फॉरगिवनेस इतनी जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गई। अब ये मेडिटेशन आपने करनी कैसे है, देखो हमारी अर्थ जो है उसको बोला जाता है 3D। ठीक है, 3D, और जो यूनिवर्स है ये अर्थ है, ये है 3D और यूनिवर्स इसके ऊपर। ठीक है, ये है 5D। अब अर्थ में क्या होता है, अर्थ में इंसान इंसान से जेलस करता है, ठीक है, उसकी निंदा करता है, किसी से खुश नहीं होता, क्राइम करता है, कितना कुछ होता है, लेकिन 5D में नहीं होता ये सब कुछ। 5D में क्यों नहीं होता, 5D में हम सभी उस परमात्मा का ही अंश है। ठीक है, मैं आप सब उस परमात्मा का अंश है, हम सब इक्वल है, उसकी फ्रिक्वेंसी और हमारी फ्रिक्वेंसी सेम है सेम है। तो 5D में क्या होगा, अब डायरेक्टली आप उस जिस जो इंसान से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, अब आप उसको बोलोगे कि मुझे माफ कर दो, ये वर्ड्स बोलोगे, वो बोलेगा कि पागल हो गया। कभी कभी आप खुद भी सामने नहीं आना चाहते, तो हमने उससे डायरेक्टली बात करनी नहीं है, हमने अपनी हायर सेल्फ से बात करनी है। हम सोल टू सोल कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, हमने सोल से सोल को बोलना है उसकी कि मुझे माफ कर दो। अब देखिए सोल जो है वो आपको माफ करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि मैंने पहले बताया वहां पे ये जेलस वगैरह कुछ नहीं है हम उसी परमात्मा के अंश हैं, वहां पे सब इक्वल है। ठीक है, तो ये मेडिटेशन हमने कैसे करनी है, सपोज मैंने मेरे बेटे के साथ मैंने की, अब हमारी जो सोल है उसका क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे एक स्टार होता है वैसे हमारी सोल होती है, तो आप उसकी सोल को इमेजिन करो। ठीक है, उसका फेस भी इमेजिन कर सकते हो, आपको नहीं भाव आ रहा, सबसे मेन पॉइंट है इस मेडिटेशन में भाव, भाव समझ रही हो आप, फील होना चाहिए कि आप सच में चाहते हो कि ये चीज वर्क करे। सबसे पहले आपने क्या करना है, उस सोल को इमेजिन करना है, आप उसका नाम भी ले सकते हो, सपोज अगर मेरे बेटे का नाम अशंक है तो मैं अशंक का, अच्छा ठीक है, देखो अब सपोज तो मेरे बेटे का नाम अशंक है। ठीक है, मैंने तो नाम नहीं लिया था, मैंने तो सोल इमेजिन की थी, आप फेस इमेजिन कर सकते हो आपने अपनी आंखों को बंद करना है, मैं आपको लिंक, आप यूट्यूब में सर्च करोगे हो ओपोनो ओपोनो, तो ये शब्द बोले हुए आते हैं विद म्यूजिक के साथ, तो आप अपने ईयरफोन में लगा लें। ठीक है, कभी भी कर सकते हैं आप, रात को करें, साइलेंट में ज्यादा अच्छा है, ईयरफोन लगा ले, 10 मिनट की मेडिटेशन होती है वो लगा ले, और उसके साथ साथ आपने बोलना है, सबसे पहले आपने बोलना है आई एम सॉरी। ठीक है, आप उस सोल को सॉरी बोल रहे हो, सॉरी किस लिए बोल रहे हो, कि आपने जो उसके साथ पूरा काम किया था, उसको हर्ट किया था, उसके लिए सॉरी, एंड अगेन प्लीज फॉरगिव मी, कि पूरे भाव के साथ होना चाहिए, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। फिर इमेजिन करना है कि वो सोल आपको माफ कर रही है, वो करेगी क्योंकि 5D में है। ठीक है, वो सोल आपको माफ करेगी, जब उसने आपको माफ कर दिया फिर आपने उसको बोलना है आई लव यू। आई लव यू क्यों, क्योंकि प्यार की फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है यूनिवर्स में, लव की फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। जब आप उसको आई लव यू बोलोगे तो क्या होगा, आपने उससे माफी मांगी, उसने आपको माफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका जो बैड कर्मा है वो रिलीज होगा, ऑटोमेटिकली रिलीज होगा। अब ये आपकी चॉइस है, आपने 3D में रहकर उसको भोगना है या फिर आपने माफी मांगकर उसको क्लीन करना है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आंखें बंद करके उसको 10 मिनट तक बस यही बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यहाँ पे उसकी इमेजिन, सोल को इमेजिन करो, उसकी फेस को इमेजिन करो, कॉन्टिन्यूसली बोलते जाओ। और इस मेडिटेशन में एक चीज है, अगर आपको सोल पर्चिंग हुई, सोल पर्चिंग मतलब आपको रोना आया, और रोना आपको किस लिए आया, कि आपने उसके साथ गलत किया है, इस चीज के लिए रोना आया,
तो आपकी ये आपका भाव अच्छा है, आपकी मेडिटेशन ठीक है। अगर आपको रोना इसलिए कि मैं उससे माफी क्यों मांगू, मेरी कोई गलती नहीं, तो ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है। और उसको सॉरी बोल के तो रिलीज कर देंगे सारी चीज, बट गिल्ट नहीं रखना मन में, ठीक है। गिल्ट नहीं रखना, क्योंकि आप तो सॉरी बोल रही हो ना, बोल रही हो उसने माफ कर दिया, आपको गिल्ट नहीं रखना, कर दिया आपने, किया था उसको, माफी मांगी, क्लीन हो गया, आपने आई लव यू बोल दिया उस सोल को, क्लीन हो गया, सब कुछ क्लीन हो गया। फ्रेंड्स, ये मेडिटेशन आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई नहाकर करना या फिर स्पेशल कोई जगह पर बैठना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब भी आपका मन हो, आप फ्री हो, तो आप कर सकते हो। अब ये जो मेडिटेशन है, ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी इंसान के साथ करो, आप अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हो। कुछ लोग मनी अट्रैक्ट करने के लिए भी ये मेडिटेशन करते हैं, आप मनी को भी ये बोल सकते हो, चार जो लाइंस हैं, तो मनी अट्रैक्ट होगी आपकी लाइफ में। फिलहाल मैंने तो किया नहीं कि मुझे नीड नहीं हुई इस चीज़ की, होता है ना, किसी किसी को नीड होती है कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरी लाइफ में जो कुछ भी मेरे परमात्मा ने दिया है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। वो भी जो कुछ भी प्री प्लान्ड वो करते हैं वो ठीक है, जो भी हमारे लिए प्लान करते हैं वो अच्छा ही होता है, हमारे लिए अच्छा ही होता है, तो उस पर भरोसा रखें। कि मेडिटेशन आप अपने हेल्थ के लिए भी कर सकते हो, मनी के लिए कर सकते हो। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस मेडिटेशन के पीछे की आपको साइंस बता दी कि हम सब फ्रीक्वेंसी है, हम फ्रीक्वेंसी से मिलकर ही उसको ये मैजिकल वर्ड्स बोलेंगे। देखिए, कुछ वीडियोस होती है कि स्पेल करना है, ब्लैक मैजिक करना है अट्रैक्ट करने के लिए किसी को, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, इससे हमारे बैड कर्मास क्रिएट होते हैं, तो ये सब कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने सिर्फ सिंपल सोल से माफी मांगी है, ठीक है। तो इसमें आप अगर सोल के साथ माफी मांग रहे हो, आप गॉड को भी इमेजिन, गॉड की लाइट को भी इमेजिन कर सकते हो साथ में, क्योंकि हम उसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये बहुत ही पवित्र मेडिटेशन है, तो कुछ भी डरने की नीड नहीं है इसमें, तो आप करें मेरे कहने पर, एक बार करें, दो बार करें। अगर आपको कुछ डिफरेंस होता है, आपको पता चलता है कि कुछ वर्क की है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप पे वर्क हुई, अभी से करें, ठीक है। अभी आपने वीडियो देखी, अभी से करें, इसका कोई भी वो रिचुअल नहीं है कि कैसे करना है। 10 मिनट की मेडिटेशन है, 10 मिनट तो आप ऐसे ही रील्स ऊपर करने में आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लगा देते हो, ठीक है। अभी YouTube पे सर्च करो ho'oponopono मेडिटेशन विद म्यूजिक, आ जाएगी, लगाओ कानों में, अभी करो, ठीक है। और अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो यह जो मेडिटेशन है, ये मैंने आपको नहीं बताई है, ये डिवाइन ने आपको बताई है, ठीक है। ये डिवाइन की तरफ से आपको मेरी तरफ आई थी कि आप अपने जो अर्थ पे है मेरी सोल फैमिली, तो उनको बताएं। तो आप प्लीज इसको करके तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मेरी अगली वीडियोस भी आने वाली है, अच्छी अच्छी जो भी मेरे पास नॉलेज दी हुई है गॉड ने, ठीक है। हमारा कुछ नहीं होता, उस प्रभु ने हमारे हमें सिर्फ एक माध्यम बनाया होता है। तो अच्छी अच्छी वीडियोस जो डिवाइनली मुझे गाइडेड हुई हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो मेरी अगली वीडियोज़ देखें, बहुत ही इफेक्टिव वीडियोज़ डालने वाली हूँ मैं। तो अब मुझे विदा करें, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।